नमस्कार शिक्षकों, आज हम पंचकर्मा सहायक कोर्स के अंतर्गत जानुवस्ती के बारे में जानेंगे और उस विधि को करने की प्रक्रिया के बारे में भी हम देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रघुराम अय्यगारी। मैं आयुर्वेद का स्नातकोत्तर शिक्षा यानी MD आयुर्वेद किया हूँ। MD करने के बाद मैं आयुर्वेद को अपनाया हूँ और आयुर्वेद का विधि विधान के बारे में जानने के बाद उसको रोगियों के ऊपर करके उसको लाभ पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ। आइए आज हम पंचकर्म विभाग के अंतर्गत जानुबस्ती को करने की प्रक्रिया देखेंगे। आइए अभी हम जानुबस्ती की विधि को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। इस विधि की प्रक्रिया दो तरह की देखभाल करनी होती है। पहली ये है जिसमें संभार सामग्री को इकट्ठा करना, दूसरा जो है पंचकर्म सहायक की तैयारी लेना। संभार सामग्री इसके अंतर्गत पहले जो लगेगा वो है उड़द की आटा, मात्रा जो है जितनी पर्याप्त है उतनी लेनी है। दूसरी चीज़ जो है तेल, तिल का तेल ले सकते हैं या वैद्य के अनुसार कोई भी औषधीय तेल को ले सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। तीसरी चीज़ है जानुबस्ती की रिंग। इस रिंग को जानुबस्ती करने की विधि में सहायता मिलेगी। तेल डालने के लिए एक स्पून और तेल गर्म करने की एक बर्तन और जिसके अंदर पानी, आटा गूंदने के लिए भी थोड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें दूसरी सामग्री जो है चूल्हा यानी स्टव और माचिस की ज़रूरत पड़ेगी। रुई जिसकी उपयोगिता विधि के अंत में होगी। पहले तेल गर्म करना, इसके लिए एक बर्तन में पानी लेना है और जिसको चूल्हे के ऊपर रखना है, जिसके अंदर तेल को एक छोटा कटोरी में लेकर उस तेल के बीच में रखना है। जितनी देर में ये तेल गर्म होगी उतनी देर तक हम आटा गूंदने का काम करेंगे। आटा गूंदने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी लेकर आटा को गूंदने की प्रयास करें। देखिए अभी हमारी आटा तैयार है। आइए अब हम जानुबस्ती की विधि को रुग्ण के ऊपर करके देखेंगे। रुग्ण तैयार लेटने के बाद उनकी जानु को हम जितनी चाहिए उतनी दिखाना चाहिए। जानु का मतलब है घुटना, बस्ती का मतलब है बस्ती रिंग के आधार पर निर्देशित मात्रा तक तेल को धारण करके रखना। जानु को दिखाने के बाद जानु को तकलीफ ना हो इसीलिए जानु के नीचे दोनों तरफ हम तकिया को रखें ताकि रुग्ण को आराम मिले। लेटने से पहले रुग्ण को ये बताना चाहिए उनको मल और मूत्र की अगर लगता है उसको त्याग करके लेटना है। आगे जब जानु को दिखाया उसके ऊपर रिंग ऐसा रखना है ताकि जानु पूरा उसके अंदर समेट हो। दोनों जानुओं को आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी करने की प्रक्रिया प्रचलित है। एक दिन आगे की तरफ दूसरे दिन पीछे की तरफ करने की विधि भी है। आज हम जानु के ऊपर आगे की तरफ जानुबस्ती करने की विधि देख रहे हैं। जानुबस्ती का रिंग ऐसा लगाया ताकि रुग्ण को आराम भी मिले, तेल उसके अंदर डालने के बाद उसका निकले ना। अब हम गूंदा हुआ आटा को जानुबस्ती के रिंग के अंदर और बाहर ऐसा लगाएंगे जैसा कि आगे तेल निकले ना। अंदर की तरफ आटा से सुरक्षित करने के बाद बाहर की ओर भी लगानी चाहिए। अब हम अंदर से भी और बाहर से भी आटा की सुरक्षित कर लिया है।
आइए एक बार दोबारा जांच करें कि ये सुरक्षित है कि नहीं। आइए इसी तरह हम दूसरे जानू को यानी घुटने के ऊपर भी लिंग लगा के उसके अंदर और बाहर गूंदा हुआ आटा से भरेंगे। दूसरे जानू यानी दूसरे घुटने के ऊपर भी हमने रिंग लगाकर गूंदा हुआ आटा से सुरक्षित कर लिया। आइए एक बार हम दोनों घुटने को अच्छी तरह से जांच लेंगे कि ये भरा हुआ है। अगर सही से भरा नहीं हुआ तो इसमें डालने वाला तेल निकलने की डर हमेशा रहता है, तो विद्यार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गूंदा हुआ आटा अच्छे से भरे और सुरक्षित है कि नहीं इसकी जांच ले। इसके बाद हम आगे चलेंगे तेल भरने की प्रक्रिया। गरम किया हुआ तेल लेके एक करछी से धीरे धीरे एक एक घुटने के अंदर भरना चाहिए। करछी से तेल डालने से पहले हम तीन चीज़ की सुरक्षा करनी चाहिए। पहला, जो आटा गूंदा हुआ लगाया उस अच्छी तरह से सूखा हुआ कि नहीं। दूसरा, तेल की गरम की मात्रा। इसके लिए सहायक अपनी अंगुली से तेल की गरम की मात्रा की जांच करेगा और रुग्ण को पूछेगा कि ये तेल उनके लिए सही है मात्रा में है कि नहीं। इसके बाद धीरे धीरे करछी से अपनी उंगलियों का सहायता लेकर सहायक तेल जानू बस्ती के रिंग के अंदर भरेंगे। धीरे धीरे भरते हुए उंगलियों को गोल गोल घुमाएंगे ताकि तेल सही मात्रा में सही दिशा में जानू यानी घुटने के अंदर पहुंचे। अब हम दोनों घुटनों के रिंग के अंदर तेल अच्छी तरह से भर लिया है। ये ध्यान रखिए कि तेल की मात्रा इतनी हो ताकि वो रिंग के बाहर ना आए और रुग्ण को ये जरूर बताए कि कोई हलचल ना करे ताकि तेल बाहर निकलने की डर हो। तेल डालने के कुछ देर बाद हम ये जरूर जांच ले कि तेल की गर्माहट कम ना हो, इसीलिए सहायक अपनी उंगली डाल के चेक करेगा। दोनों घुटने के अंदर सहायक अपनी उंगली डाल के उसकी जांच लेंगे। अगर ठंडा लग गया तो करछी की सहायता से भरा हुआ तेल को धीरे धीरे कटोरे में निकाल के दोबारा गर्म करके फिर प्रयोग करेंगे। दोबारा गर्म किया हुआ तेल धीरे धीरे करछी से अपनी उंगलियों की सहायता से सहायक जानू बस्ती की रिंग के अंदर भरेंगे। ये प्रक्रिया दोनों जानुओं के ऊपर करेंगे। जानू बस्ती को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। अगर रुग्ण को कोई तकलीफ ना हो इसको 30 मिनट तक भी करने की विधि है। जब पर्याप्त मात्रा का समय बीत चुका है तो हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया की समाप्त की तरह जाएंगे। पहले करछी की सहायता से जानू बस्ती के रिंग के अंदर भरा हुआ तेल को धीरे धीरे निकालकर एक कटोरा में इकट्ठा करेंगे। एक जानू बस्ती का रिंग के बाद हम दूसरा जानू बस्ती का रिंग के अंदर का तेल भी धीरे धीरे निकाल के इकट्ठा करेंगे। अब हम
जानू बस्ती के रिंग के अंदर बचा हुआ तेल जो करची से निकाल ना पाए उनको रुई की सहायता से निकालने की प्रयास करेंगे। थोड़ा सा रुई लेके पहले एक जानू बस्ती का रिंग के अंदर की तेल को निकाल के कटोरी में निचोड़ लेंगे। धीरे धीरे पूरी तरह का तेल निकाल लेंगे। एक जानू की तेल निकालने के बाद दूसरे जानू बस्ती के रिंग के अंदर का तेल भी धीरे धीरे रुई की सहायता से निकाल के कटोरी में निचोड़कर संभाल के रखेंगे। इस तरह इकट्ठा करके संभाला हुआ तेल को हम दूसरा व तीसरा दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन दिन के बाद हम नया तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर रुग्ण चाहे तो हर दिन नए तेल की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आर्थिक रूप का विषय भी अंतर्गत है। अब हम धीरे धीरे दोनों जानू बस्ती का रिंग को हटाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जरूर ध्यान रखें कि रुग्ण को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दोनों जानू बस्तियों का रिंग को हटाने के बाद जो बचा हुआ और चिपका हुआ गूंदा हुआ आटा को गर्म पानी की सहायता से धीमी धीमी से निकालने का प्रयास करें। आटा निकाल के घुटना साफ करने के बाद सहायक अपनी दोनों हाथों के अंगुलियों से धीरे धीरे मृदु रूप में जानू के ऊपर हल्का मर्दन करेंगे। अब हम जानू बस्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। विधि के अंत में दो चीज़ की ध्यान रखें। पहला, पंचकर्म सहायक व वैद्य जो जानू बस्ती की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया हुआ पदार्थों का निर्धारित जगह पे डाले व इस्तेमाल किया हुआ सामग्री को निर्धारित जगहों पे रखे। दूसरा, रुग्ण को ये सलाह जरूर दे कि दूसरे दिन पीछे की तरफ जानू बस्ती करने की विधि के लिए आइए व अन्य निर्देश भी उनको दे। जानू बस्ती करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें जानू का जकड़ाहन, जानू का शूल, जानू प्रदेश के शोध व अन्य बीमारियों का जैसा कि अस्थि का विकार व मांसपेशी का विकार, ये सब दूर होने की आशंका है। जानू बस्ती अच्छी तरह से करने से ये सब की लाभ रुग्ण को मिलेगा। इस प्रकार की जानू बस्ती की विधि को हम 7 दिन, 14 दिन व 21 दिन तक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का हमारी ये जानू बस्ती विधि की कक्षा आपको लाभकारी होगी। धन्यवाद।